इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम से ही पता लग रहा है, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल की सरफेस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती क्या है इसको जरा ध्यान से समझते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एज वेल एज कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी में तो गारंटेड क्वेश्चन आएगा इक्वी पोटेंशियल पे, और कॉम्पिटिशन में डिपेंड करता है, बहुत वैरायटी है तो आ भी सकता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर ये है क्या इसको ध्यान से समझते हैं। ये एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज है क्यू। क्यू चार्ज के स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मैंने आपसे ये पूछा कि मुझे आप पॉइंट चार्ज का वी बता दोगे, आपने कहा ठीक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कितना आर, सही है। फिर मैंने आपसे पूछा कि स्मॉल आर डिस्टेंस दूर आप यहां पे वी की वैल्यू बता दोगे, तो आपने कहा सेम आएगी। मैंने पूछा ठीक है आप यहां पे बताओगे स्मॉल आर, आपने कहा सेम आएगी, यहां पर सेम आएगी। स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बाहर, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, इधर उधर, तो क्यू चार्ज के स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी हमेशा सेम रहेगा। अब इमेजिन करो, मैंने कहा इमेजिन करो कि अगर मैं सारी सरफेस को मिला दूं तो इमेजिनरी क्या बन जाएगा, एक स्फेयर। इस स्फेयर जो आर रेडियस का स्फेयर है, इसके सरफेस के ऊपर आप कोई मर्जी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जहां मर्जी ले लो, वी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम। तो ये इमेजिनरी सरफेस को क्या नाम देंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पॉइंट समझ में आया। मैं जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट दूसरे बैच में पूछता कि सर फिर इंडक्शन हो जाएगी इसमें, आपको भी लगता है क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, नहीं क्यों, हवा में इमेजिनरी है। ये मैंने ये नहीं कहा, यहां स्फेयर रख दो और वो भी कंडक्टर का बना हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खिंचाएंगे, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा इन सभी इमेजिनरी पॉइंट्स को मिला लो, तो ये एक इमेजिनरी स्फेयर बनेगा जिसको आप इक्वी पोटेंशियल स्फेयर बोल सकते हो या इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हो। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। फिर मैंने एक स्टूडेंट को कहा देख अगर तू एक और स्फेयर लेता है इसके आसपास विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर डैश, तो जहां मर्जी कैलकुलेट कर लियो आर डैश सरफेस पे, स्फेयर पे पोटेंशियल फिर से क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम। तो मैंने कहा देख ये फिर से एक और क्या बन गया, एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ऐसे तो वो कहते हैं कि जितने मर्जी स्फेयर बनाते जाएं, बना लो, वो सारे के सारे क्या कहलाए जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फिर एक स्टूडेंट पूछता है, वो कहता है सर ये इक्वी पोटेंशियल कैसे हो गया? मैंने कहा क्यों, वो कह रहे देखो यहां का पोटेंशियल वी, यहां का वी डैश है, तो सेम ही नहीं है, ये कैसे इक्वी पोटेंशियल है? मैंने ये नहीं कहा कि जितने स्फेयर बनाओगे सभी पे पोटेंशियल सेम होगा, मैंने कहा फॉर अ गिवन स्फेयर ऑफ रेडियस आर उस सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, पर अगर आपने एक और स्फेयर बना लिया और वो स्फेयर इससे ज्यादा दूर है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल गिर जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा इस सरफेस पे सेम। एक और स्फेयर बनाएंगे तो पोटेंशियल अपनी वैल्यू को और डिक्रीज कर लेगा लेकिन रहेगा सेम, तो कंसेंट्रिक स्फेयर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑल आर इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? सो ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस है पहले तो। अब फिर क्वेश्चन नेक्स्ट अराइज ये होता है कि अगर ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है तो मतलब तो ठीक है वी सेम है, इससे क्या होता है? एक क्वेश्चन आएगा आपको कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ड्रॉ करके बताओ, आपको आएगा ये क्वेश्चन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक क्यू चार्ज लो, छोटा क्यू, और स्मॉल क्यू चार्ज, जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसके आसपास इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताओ, तो आंसर क्या रहेगा बोलो, क्या ड्रॉ करोगे? स्फेयर्स, स्फेयर, क्योंकि इस क्यू चार्ज के आसपास एक स्फेयर है वो इक्वी पोटेंशियल है, अगला स्फेयर भी इक्वी पोटेंशियल है, अगला स्फेयर भी इक्वी पोटेंशियल है, अगला स्फेयर भी इक्वी पोटेंशियल है, ये ड्रॉ करोगे। तो सपोज करो मैंने ड्रॉ करने शुरू किया, बड़े ध्यान से देखना, ये मेरा पहला स्फेयर हो गया, ये मेरा दूसरा स्फेयर होगा, ये मेरा तीसरा स्फेयर हो गया, ये मेरा चौथा स्फेयर हो गया, ये मेरा पांचवा स्फेयर होगा, एंड सो ऑन। आप सोचेंगे ये क्या है, इतनी दूर बनाने की क्या जरूरत है, वही सर्कल बना दो, बना सकते हैं, पर मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इक्विपोटेंशियल जो स्फेयर बनते हैं वो उनमें स्पेसिंग बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी, ठीक
ठीक, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी तो आपने ये नहीं करना कि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है उतनी दूरी ये ना, शुरू शुरू में आपने ये डिस्टेंसेस काफी क्लोज रखने हैं ऐसे, शुरू शुरू में स्पेसिंग बहुत कम है, बाद में देखो ये स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आप कहेंगे वो क्यों, ऐसा क्यों, वो भी तो ठीक था इक्विपोटेंशियल, क्योंकि साइज से इक्विपोटेंशियल है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये करेक्ट है। मैं बताता हूँ क्यों। तो आपने अपना आंसर ऐसे ड्रॉ करके आना, याद रखना, राइट। तो आपने क्या करना है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेक कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा कुछ इस तरीके से, ठीक, समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ जा रहा है इसकी वजह से। अब स्पेसिंग का क्या चक्कर है ये समझते हैं। मान लो एक मिनट के लिए मैं ये स्फीयर लेता हूं, इस स्फीयर पे मान लो पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पर 10 10 10 वोल्ट ही होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लो 8 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पर 8 8 वोल्ट ही होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लो 3 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पर 3 3 वोल्ट ही होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पर 1 1 वोल्ट ही होगा, उसके बाद तो शायद 0 ही हो जाएगा। ठीक है यहां तक, ये तो समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल दूर जाते जाते अपनी वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, दूर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। और मुझे ये भी रूल समझ में आ रहा है कि एज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा पोटेंशियल अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज। और हमने यही किया था, एक रिलेशन किया था, ई इज इक्वल टू वॉट, माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर। तो E is equal to minus dV by dr का मतलब यही था कि माइनस साइन ये शो करता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहे हो तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। ये स्टेप क्लियर है यहां तक, तो V की वैल्यू विल डिक्रीज, ये भी रूल बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जितनी पास आओगे चार्ज के वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। कम से कम ये तो नहीं बोला जा सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कम अपनी वैल्यू को कम करता जा रहा है, ये भी पॉइंट क्लियर है, ठीक। अच्छा अब ये बताओ कि अगर मैं कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेता हूं, ये देखो जैसे ये रही, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 8 में से 10 क्या 2 2 वोल्ट 2 वोल्ट, वो तो फिक्स्ड ही है। इनमें क्या होगा, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, वो तो फिक्स्ड है। मान लो एक मिनट के लिए इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो dr है और पोटेंशियल डिफरेंस dv है, अगले में स्पेसिंग dr है, पोटेंशियल डिफरेंस dv है, क्योंकि dr का मतलब है दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल की दूरी को dr बोलते हैं, dv पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है इन डिस्टेंस ऑफ dr, तो dv पोटेंशियल डिफरेंस है dr डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना है dv और जब डिस्टेंस कितना है dr है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस dv है जब डिस्टेंस dr है। मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, पांच है तो पांच ही रहेगा, तीन है तो तीन ही रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन स्पेसिंग कांस्टेंट नहीं हो सकती, डीआर कांस्टेंट नहीं होगा। किसी स्टूडेंट ने पूछा वो कैसे कि अगर मैं ये कहूं कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 है और यहां पर कितना है 5 है, तो स्पेसिंग भी बराबर कर दो। भाई अगर तुम ये भी बराबर कर दोगे ये भी बराबर कर दोगे फिर तो रेशियो हमेशा ही सेम ही आएगी। इसका मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में बड़ा है, इस रीजन में छोटा है, इस रीजन में और छोटा है, तो डीवी को तो मैं कंट्रोल कर नहीं सकता, डीवी तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो दिस टर्म कैन बी सेम, हाँ मैं स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकता हूं, जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा शो करना चाहता हूं वहां पर डीआर को मैं क्या कम शो करूंगा, कम शो करूंगा, क्योंकि जितना छोटा डीआर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा होगा। कोई कहता है सर माइनस साइन लगा हुआ था, माइनस साइन तो ये शो करता है कि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिक्रीज। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लो, ये लो सिर्फ वैल्यू वैल्यू देख लो, तो वैल्यू वैल्यू के पॉइंट से जितना छोटा डीआर होगा, जितना छोटा डीआर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, तो इसीलिए ये समझ में आ रहा है कि स्पेसिंग शुरू शुरू में बहुत कम रखी, क्योंकि डीआर जितना छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इस चार्ज के पास स्ट्रांग होगा, और जितना दूर जाते जाएंगे ये शो करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वैल्यू को क्या करता जा रहा है, डिक्रीज, स्पेसिंग को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, इंक्रीज कर, क्योंकि जितना बड़ा डीआर होता जाएगा यानी कि ये शो हो रहा है वहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसीलिए एक पॉइंट चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्पेसिंग बराबर कभी नहीं शो करना, टीचर गलत कर देगा, आपको ऐसे शो करना है।
हालांकि कई बुक्स में वो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने खुद नेट से उठाया है वो फर्स्ट डायग्राम, वो देखो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पेसिंग सेम है, सही नहीं है, सही नहीं है, इसमें एक दो सर्कल और बना लो बीच में डॉट 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 करके, ऑब्वियसली यार नहीं तो गलत हो जाएगा, कहीं गलत यही बना दो और बाद में कहो सर आपने ऐसे शो किया, ये सही है, ये सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, ये देखो ऐसे बना लो, उसको क्रॉस करके इसको ठीक कर लो, मैंने देखा नहीं वैसे, बट वो शायद ये बताना चाहता है कि वो इक्विपोटेंशियल है, बस इतनी सी बात है, वो ये नहीं बताना चाहता, पर अदरवाइज पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल ये बनेगी, क्लियर है यहाँ तक? बोलो अकृत, डीवी कांस्टेंट कैसे है? ओके, सेम क्वेश्चन जो दूसरे बैच में एक स्टूडेंट ने पूछा, वो कह रहा है देखो आप कह रहे हो कि डीवी की वैल्यू यहाँ पर 2 वोल्ट है, फिर आप डीवी की वैल्यू यहाँ पर 5 वोल्ट कह रहे हो, तो डीवी कांस्टेंट कैसे है? आप तो डीवी भी चेंज कर रहे हो, फिर वो कहता है चलो डीवी चेंज कर रहे हो, या तो डीआर भी चेंज हो रहे हैं या तो डीवी भी चेंज हो रहा है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं, पॉइंट है, बोलो हाँ, मैंने ये कहा जब मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं तो यहां पर डीवी कांस्टेंट है, राइट, स्पेसिंग बनाना मेरे हाथ में है, यहां पे मैं शो करना चाहता हूं फील्ड स्ट्रांग है तो स्पेसिंग कम कर दूंगा, ठीक है, डीवी को नहीं मैं चेंज कर सकता, इसको तो कर सकता हूं फॉर गिवन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर अगले की बारी आई, अगले की बारी में डीवी कॉन्स्टेंट है, स्पेसिंग मेरे हाथ में, मैं शो करना चाहता हूं फील्ड वीक है, मैं डीआर को बढ़ा दूंगा, ठीक, ये तो मेरे को शो करना है ना कि, और अच्छा एक और चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो इमेजिनरी सरफेस है ना, ये तो हमने ड्रॉ की है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट दूर से क्लियर हो जाए कि कहां पर फील्ड स्ट्रांग है कहीं कहां पर फील्ड वीक है, ये कोई रूल मशीन कोई फॉर्मूले से थोड़ा ना निकल के आ रही है, हमने रूल बनाने हैं अपने हिसाब से रूल बनाने हैं, ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? देखो अगर मतलब सेम स्पेसिंग करेंगे डीवी, फिर आप ये शो करना चाहते हो कि फिर ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि आप वैल्यू में फिर डिफर करना पड़ेगा, हाँ वैल्यू में फिर डिफर होएगा, वैल्यू ऑब्वियसली वी तो कम ही होगा बाहर जाते हुए, वो कितना कम होगा नॉर्मली होता नहीं यार, स्पेस स्पेस अगर बराबर है ना, मतलब ई कॉन्स्टेंट है, और पॉइंट चार्ज का ई कभी कॉन्स्टेंट होता नहीं, पॉइंट चार्ज अपने नजदीक ई ज्यादा लगाता है, दूर जाते हुए ई कम हो जाता है, तो वो सही मान ही नहीं जाएंगे, ठीक है ना, तो मतलब ऐसे ही आप स्पेसिंग बराबर कर दो, बाद में टीचर का ही देखो कैसे प्रूव करो उस चीज को, आप कर नहीं पाओगे, मुझे लगता है कि आपको स्पेसिंग ज्यादा कम शो करनी चाहिए, ठीक, अच्छा सपोज करो आपको क्वेश्चन आया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो किसकी वजह से जी, इनफाइनाइट शीट्स का ड्रॉ करो, अब देखो इनफाइनाइट शीट की बारी आ गई, जो इनफाइनाइट शीट है उसका ई का फॉर्मूला बोलो पहले क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या वो आर पे डिपेंडेंट होता है? नहीं होता, आप पॉइंट नजदीक ले लो या आप पॉइंट दूर ले लो, ई की वैल्यू में देर इज नो चेंज, ऐसे मानते हैं, हाँ उसमें अगर आपने ड्रॉ करना है तो स्पेसिंग बराबर है, 2 इक्विपोटेंशियल है, डीआर 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 बराबर है, बराबर साइन क्या शो कर रहा है, इट इज अ केस ऑफ, अंडरलाइन कर लो इसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो यानी कि स्पेसिंग कम या ज्यादा करना बनता है हमारा अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक, कोई डाउट इसमें? अब मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ, देखो इसमें क्या सोचने वाली बात है, बोलो, हाँ फील्ड कॉन्स्टेंट, वी कॉन्स्टेंट भी होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं,
देखो सपोज करो फिर वहीं पर आ जाते हैं, क्यू चार्ज है ओके क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ये मैंने इसमें क्या ड्रॉ की, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं। इस इक्विपोटेंशियल सर्फेस के ऊपर थोड़ा सा 3D इफेक्ट देते हैं, ये 3D इफेक्ट है, इसकी छत है ये देखो स्फेयर की, ये देख रहे हो बन गया 3D इफेक्ट। ठीक, इस 3D के अंदर अगर सपोज करो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों पे वी की वैल्यू विल बी सेम, और इमेजिन करता हूं कि एक टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को मैंने यहां से यहां रख दिया, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, और बोलो दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। तो याद रखना जब भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, दूसरी पे नहीं क्योंकि दूसरी पे भी चेंज हो जाएगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को रखा जाएगा तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस जो कि जीरो आएगा, तो वर्क डन जीरो आएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब भी वर्क डन किया जाएगा चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखने का, तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा, जीरो। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा अब प्रैक्टिकली जानना चाहते हो ये क्या हुआ, क्या मतलब कैसे, मतलब चार्ज भी हिल गया और आपका काम भी नहीं हुआ, यार ये क्या बात बनी यार, मतलब पॉइंट तो वैलिड है, वो कह रहा है यार ये क्या हुआ, चार्ज भी हिला के बैठ गए और कह रहे हो मेरा काम भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल सेम फीलिंग देगा आपको कि कुली ने भी कोई काम नहीं किया था प्लस वन में, कुली बेचारा क्या करता था, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता था, वो तो काउंट हो जाता था, चीज को ऊपर उठाता था, जब वो चीज को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करवाता था तो क्योंकि ग्रेविटी नीचे है फोर्स ऊपर लग रही है, एंगल क्या बन जाता था, 90। सेम इफेक्ट है इसका भी, देखो आने वाला हूं उस पॉइंट पर, मैं बताता हूं ये हुआ क्या। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाने वाली हैं, आप देख रहे हो यहां से, ये देखो ये आपने सुना हुआ है कि अगर मैं एक लाइन सेंटर से बाहर की तरफ लेके जाऊं स्फेयर के लिए, तो वो लाइन स्फेयर की सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री पे निकलती है, नॉर्मल होती है, समझ में आता, ऑप्टिक्स में भी करते थे हम ये कि कोई भी लाइन अगर स्फेयर को कट करते हुए सेंटर तक जाती है तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करते हैं, स्फेयर के सेंटर से, कोई डाउट इसमें? तो ये बात क्लियर है कि जितनी भी लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलती जा रही हैं, वो हमेशा सरफेस के साथ क्या एंगल बनाती हैं, 90। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? और ये सरफेस कौन सी है, इक्विपोटेंशियल। तो दूसरी प्रॉपर्टी सुन लो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ई की जो लाइन होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल हमेशा क्या बनाएगी, 90। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा एंगल क्या बनाएगी, 90। क्लियर यहां तक? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कोई कहता नहीं समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर ऐसे कर ले, मान लो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करके देख ले डीआर वेक्टर, मान लो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहां से यहां किसी चार्ज को उठा के लेके आए, तो क्या करेगा उस केस में, वर्क डन करेगा, और वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन हमें आती है, वो क्या, ई डॉट डी आर। लेकिन मुझे पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट में यहां से यहां आने में क्या लगेगा, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही नहीं, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ये टर्म भी जीरो, और अगर ये टर्म जीरो तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर। तो डी आर वेक्टर ये देख रहे हो, ई वेक्टर ये देख रहे हो, दोनों के बीच में एंगल क्या, 90। तो याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डीआर वेक्टर के साथ, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल क्या बनाएगा, 90। तो आप एक चीज नोट करो, ये देखो ये पोर्शन 3D इफेक्ट देख रहे हो, ये वाली छत देख रहे हो, इसको मैंने बाहर निकाला इस छत को, और दो मिनट ऐसे पकड़ के रखना, मैंने निकाल लिया है। तो ये देखो ये मैंने यहां बना दिया है, वहां से निकाली और यह साइड पे, तो आपकी बुक्स में ऐसा डायग्राम होगा बस, राइट? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो
तो आप इसमें डीएल या डीआर लेके जा रहे हो, दो पॉइंट्स के बीच में ई वेक्टर हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो ये भी समझ में आ रहा है डायग्राम। अब आपको ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। नेट से कोशिश की थी 3D लाने की, बट अजीब सा प्रिंट आउट आ गया इसका। तो ये चार्ज क्यू है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्फेयर, ये अगला स्फेयर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। देखो ये सारा गिरी, पर ठीक है आपको स्फेयर समझ में आ गया, इसकी जरूरत नहीं है। क्या चार्ज को लेके जा रहा है वो, कुछ एक ए से डी, ए से इस पे लेके जाएगा वर्क डन जीरो होगा, इस पे लेके जाएगा वर्क डन काउंट होगा। आगे थ्योरी होगी ना, मैंने सिर्फ डायग्राम डायग्राम कॉपी किया। तो जैसे ये देखो, ये मान लो तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक दो और तीन जैसी भी हैं, और इसमें अगर मान लो मैं यहां से यहां चार्ज को लेके आता हूं, तो मेरे को बिल्कुल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। वो क्यों? क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे पॉइंट तक लाने में वर्क डन क्या होता है, जीरो। और अगर वर्क डन जीरो है तो फिर फोर्स भी जीरो। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एक्ट कर रहा है, मान लो ये फ्लोर, ये फर्श देख रहे हो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये इक्विपोटेंशियल के ऊपर खड़ा हूँ मैं, ठीक। और मैं एक चार्ज हूँ, और सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, इस बोर्ड के 90 डिग्री पे ऊपर लग रहा है, क्योंकि ई वेक्टर कैसे लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा। मैं चार्ज हूँ तो मैं फोर्स एक्सपीरियंस कहाँ करूंगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अगर कोई मेरे को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। और मुझे ऐसे ही छोड़ देगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऊपर चला जाऊंगा। पर अगर कोई मुझे ऐसे धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में, तो इसमें रोकने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई के लॉन्ग लग रहा है, एक्स में तो कुछ है ही नहीं, तो वर्क डन क्या करेगा, जीरो। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि सारा का सारा फील्ड कहां लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग नहीं रही, इस वजह से उसको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन करना पड़ता है किसी चीज के अगेंस्ट। तो एक्स एक्सिस में इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ साथ कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स कहां लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल, इसलिए वर्क डन जीरो है। लेकिन अगर वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल पे लेके आएगा, फिर उसको फोर्स लगानी पड़ेगी और वर्क डन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उसमें मेंटेन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है? तो ये रूल समझ में आ रहा है कि वर्क डन जीरो का मतलब क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में बेसिकली है क्या, सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो पोटेंशियल सेम है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो वर्क डन जीरो कर चुके, ये कर चुके। ई वेक्टर परपेंडिकुलर डी आर वेक्टर होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी हम कर चुके। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ये एनसीईआरटी में आती हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑन टू अनदर ऑन ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई काम नहीं करना पड़ता, ये सबको मालूम है, राइट किया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी किया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा, ये किया। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम वीक फील्ड, ये भी किया। वो कैसे, जहां पर लाइन आपको इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस क्लोज पास पास नजर आएंगे वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां स्पेसिंग बढ़ती जाएगी वहां फील्ड वीक है। तो आप बता सकते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेस का डायग्राम देख के कि कहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कहां पर वीक फील्ड है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, ये कुछ नहीं है, सेम चीज है। स्पेसिंग जो है वो डीआर के ऊपर डिपेंड करेगी, डीआर ज्यादा होगा तो ई वहां पर कम होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस टेल्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकती है। कैसे, अगर मैं आपको ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दूं कि ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, साफ पता लग रहा है कि यहां पर फील्ड स्ट्रांग है, यहां पर फील्ड वीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम स्ट्रांग फील्ड टू वीक फील्ड, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी। जहां स्पेसिंग कम होगी, जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस टाइट होगी, वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां खुलती जा रही है वहां फील्ड वीक है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की तरफ। तो आपको ई वेक्टर की डायरेक्शन भी बताएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, मान लो मेरा हाथ इक्विपोटेंशियल है, मैं ये क्लेम करता हूं जो भी पॉइंट लोगे यहां पर 10 10 10 10 वोल्ट पे होगा, मेरा दूसरा हाथ भी इक्विपोटेंशियल है, मान लो 5 5 5 वोल्ट पे होगा। चलो हर कोई
पांच पांच वोल्ट, दस दस वोल्ट मान लो इंटरसेक्ट कर गया, ये हाथ कहता है कि मेरे, क्योंकि कॉमन पॉइंट आएगा दोनों का कोई ना कोई, कॉमन पॉइंट पे ये हाथ कहेगा वैल्यू 10 होनी चाहिए, ये कहेगा वैल्यू 5 होनी चाहिए। अब पोटेंशियल तो या तो 10 होगा या 5 होगा, तो इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल की वैल्यूज नहीं होंगी, या तो 10 होगी या 5 होगी, तो कभी भी इंटरसेक्शन इनकी हो नहीं सकती। क्लियर है यहां तक? तो दो डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल पे वैल्यूज डिफरेंट होती हैं वी की, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं।